और आज के दिन मैं फिर से बहुत खुश और आनंदित हूँ कि हम सब एक बार फिर से एक साथ हैं। Let's remember, this is the day the Lord has made. Therefore, we will rejoice and we will be glad. और कृपया करके याद रखें इस बात को कि ये दिन भी यहोवा ने बनाया है हम इसमें आनंदित हो और मगन हो जाएं। This is our choice. और ये हमारा चुनाव है। We have to choose what kind of day we are going to have not with fear or anxiety but with rejoicing because god has given us this day and his grace is available um, i would like to take a short short meditation for the next few days based on the lord's prayer और आने वाले दिनों में मैं छोटे छोटे मनन को आपके सामने रखना चाहता हूं परमेश्वर की प्रार्थना के ऊपर और इन मननों का या संदेशों का जो शीर्षक होगा वो होगा मध्यस्था का आराधना और स्तुति जीसस लेफ्ट वन सिंगल prayer as एन example अपॉन which to base our prayer. और यीशु मसीह ने एक ही प्रार्थना के द्वारा ये उदाहरण हमारे लिए स्थापित कर दिया कि किस प्रकार से हमें प्रार्थना करनी है. Several of his prayers are recorded in the New Testament. और नए नियम में कई उसकी प्रार्थनाएं लिखी गई हैं. But only one, he said. Only once, he said. आफ्टर दिस मैनर यू प्रे लेकिन सिर्फ एक ही प्रार्थना में वो इस बात को कहता है कि तुम भी इसी प्रकार प्रार्थना करो द प्रेयर इट सेल्फ इज रिकॉर्डेड इन इट्स एंटायरिटी

The believer with a biblical foundation और जो पहले दस शब्द इस प्रार्थना में हम देखते हैं वो किसी भी विश्वासी या प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी के जीवन की आधारशिला है you know, foundation फॉर what? और वो आधार किस चीज के लिए फाउंडेशन फॉर commencing all prayer

God's name is already holy. और याद रखिए परमेश्वर का नाम तो पहले से ही पवित्र है। eternally. और वो पवित्र है अनंत काल से। and he is unchanging. और वो ना बदलने वाला परमेश्वर Therefore, है। Therefore, this prayer actually is telling us. और इसलिए ये प्रार्थना हमें इस बात को बताती है। That let my life be lived in such a way that the world and its people होली गॉड और वो इस बात को बताता है कि मेरा जीवन ऐसे परमेश्वर जी ने दे कि पूरा संसार इस बात को देखने और जानने पाए कि हाँ मेरा परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है एंड हालओव बी ट ड मीन और तेरा नाम पाक माना जाए इस बात को कैसे समझे या इसका क्या मतलब है इट इज ए न्यू in 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 uh, uh, represent it represents God. और याद रखिए कि तेरा नाम पाक माना जाए ये एक नए नियम की शब्दावली है जिसका वर्णन या उपयोग प्रभु परमेश्वर के ही संदर्भ में किया जाता है द ग्रीक वर्ड इन व्हिच द न्यू टेस्टामेंट इज रिटन मोस्टली फॉर हेलो वर्ड इज हगिया हगियासो और यूनानी भाषा में शब्द का मतलब यानी पाक शब्द का मतलब ये है जिस शब्द यूनानी शब्द है हगियाजो। एंड दैट वर्ड हगियाजो मींस टू revere। और हगियाजो जो शब्द है इसका मतलब है कि भय मानना। और टू sanctify। या yeah, शुद्ध किया जाना। And That means to set apart। और इसका मतलब है अलग किए जाना। And there is no comparison। टू गॉड और परमेश्वर से कोई तुलना नहीं एंड ही स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट और वो परमेश्वर दूसरों से कोई तुलना उसकी नहीं हो सकती लेकिन वो तो अतुल्य परमेश्वर है और दूसरों से अलग एंड सिंस दर्ड सेंटिफाई मीन टू सेट अ पार्ट और जबकि शुद्ध किए जाने का मतलब है अलग किया जाना टाइम शुड बी सेट अ पार्ट सोली And strictly to worship God. And that particular time convenient to you, you set apart only for God to spend your time. इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड कॉन्सेंट्रेटिंग और वो it. समय जो आपके लिए अच्छा है जिस भी समय आप परमेश्वर को के साथ अपना समय बिता सकते उस समय को एक अनुशासित ढंग से आप प्रतिदिन बिताएं। एंड मेक श्योर That time should not be given to anything else for anyone else. So, in choosing that time, you should choose such a time of the day when you know there will be no intervention or interference by anyone. For और इसलिए जब आप परमेश्वर की आराधना स्तुति और मनन के लिए समय को चुनते हैं तो एक ऐसा समय चुने जब आप जानते हैं उस समय में आपको कोई परेशान नहीं करेगा कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा किसी भी प्रकार से कोई आपको परमेश्वर से ध्यान नहीं भटकाएगा that time belongs to god और क्योंकि वो समय परमेश्वर का है एंड डोन्ट टेक एनी थे और इसलिए जो परमेश्वर का है उसे लेकर किसी और बात के लिए उसका उपयोग ना करे

All the time. और टाइम और धन्यवाद हो परमेश्वर का कि एक ऐसी बातें हैं जिन्हें हम हमेशा कर सकते हैं यू may बी ड्राइविंग हो सकता है आप

वर्शिप कैन बी अ वे ऑफ लाइफ और इसलिए याद रखिए कि स्तुति और आराधना जीवन की कार्यशाली है एस Saint Augustine said, और जिस प्रकार से संत अगस्टीन ने कहा द चीफ एंड ऑफ मैन इज टू ग्लोरिफाई गॉड एंड एंजॉय हिम फॉर एवर और जो मनुष्य के जीवन का मुख्य अंत या मंजिल है वो ये है कि वो परमेश्वर की आराधना करे उसकी प्रशंसा करे और उसका आनंद ले दिस इज समिंग

Enjoy God. परमेश्वर का आनंद ले सके एंजॉय बींग विम और परमेश्वर के संग रहने का आनंद ले सके बिकॉज ही इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन इन यूर लाइफ क्योंकि वही आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है ही इज फुल ऑफ लव और वो प्रेम से भरा हुआ एंड यू स्पेंड यू वॉन्ट टू स्पेंड यूर टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ लव और आप अपने समय को प्रेम की उपस्थिति में बिताना चाहते हैं सेंचुरी मॉन्क नॉन एस ब्रदर लॉरेंस सेड और एक सोलवी सदी का एक जो पंडित या एक जो गुरु था उसने इस बात को कहा द एंड वी मस्ट परसू इज टू बिकम इन दिस लाइफ द मोस्ट परफेक्ट वर्शिपर्स ऑफ गॉड द एंड वी मस्ट Pursue, और जिस अंत की खोज के लिए हमें बढ़ते रहना है is to become in this life, और उसी की तरह इस जीवन में बन जाना है द मोस्ट परफेक्ट वर्शिपर्स ऑफ गॉड और ताकि हम परमेश्वर के सिद्धक आराधकों के रूप में निकल आए एंड वी कैन पॉसिबली बी एस वी होप टू बी फ्रू eternity. और हम संभवतः वो बनने पाएंगे जैसे हम आशा करते हैं कि हम बनेंगे अनंत काल तक इन दिस वर्ल्ड और इस संसार में दिस प्रेजेंट टाइम और इस वर्तमान के समय में इफ वी इन्वॉल्व आवर सेल्फ इन कॉन्स्टेंट वर्शिप एंड प्रे अगर हम खुद को निरंतर प्रार्थना आराधना और स्तुति में दे दे एंड इन दैट एक्टिविटी और उस कार्यशैली में वी एंटर इन टू द नेक्स्ट लाइफ तब हम दूसरे जीवन में प्रवेश करेंगे वी वी

ंग डिवाइन ऑनर एंड लव लेकिन उसकी प्रशंसा करने का मतलब है वो स्वर्गीय आदर और सम्मान हम उस परमेश्वर को दे जिसके योग्य

will uh, of our wives. और मेरी प्रार्थना ये है कि हम में से जो भी शादीशुदा हैं हम इस बात को अपनी पत्नियों के लिए कहेंगे। But then the adoration that the Bible talks about is to be given to this God Almighty who is love. लेकिन जिस प्रशंसा की बात वचन करता है वो प्रशंसा सिर्फ परमेश्वर को देनी है जो सर्वशक्तिमान और सर्वप्रेमी प्रभु है We honor him. हम उसकी अ uh, उसका आदर करते हैं एंड वी लव हिम और उससे प्रेम करते हैं एंड द वर्ड एडोरेशन इज डेराइव्ड फ्रॉम एन एंशिएंट एक्सप्रेशन और ये जो शब्द प्रशंसा है इसे लिया गया है एक बहुत ही पुराने वाक्य से या बात से व्हिच मेंट जिसका मतलब है टू अप्लाई हैंड टू द माउथ जिसका मतलब है कि जो हाथ है उसे मुख पर लगाना और या दूसरे शब्दों में किस द हैंड या हाथ को चूमना Now, kissing the hand is a symbol of a deep respect and submission. और हाथों को चुनने एक चिन्ह है इस बारे में कितना एक व्यक्ति किसी दूसरे के प्रति उसका सम्मान आदर और प्रेम करता है when you do that, और जब आप ऐसा करते हैं you usually kneel and डू इट और जब आप ऐसा कोई करता है तो उसे करने के लिए घुटनों पर बैठकर दूसरे व्यक्ति का हाथते हैं बाई डूइंग आदर करता हूँ एंड आई submit to you और मैं खुद को आपको समर्पित करता and this adoration brings man into immediate and direct contact with god who can do it kar sakta human being cannot do it without the assistance or help of the holy spirit aur manush ise bina pavitra atma ki sahayata ke nahi kar sakta so He makes Jesus very precious to us. और इसलिए ये पवित्र आत्मा ही है जो यीशु को हमारे लिए बहुमूल्य बना देता By revealing to us और ये दिखाते हुए his preciousness कि वो कितना बहुमूल्य है सुंदरता and his love और उसका प्रेम एंड द होली स्पिरिट शेड abroad our souls the सोल्स द लव ऑफ गॉड और उसका पवित्र आत्मा हमारी आत्माओं में उसके प्रति एक प्रेम को उत्पन्न करता है। है। हमें पवित्र पर निर्भर होना ब्लेस यू परमेश्वर आप सबको योर लाइफ टुडे दिस डे जैसे कि आप अपने जीवन को इस दिन दिस डे और इस दिन के अंत में मे द लॉर्ड फाइंड यू मोर लविंग मोर सबमिटिंग एंड मोर परमेश्वर आपको ज्यादा प्रेम करने वाला ज्यादा समर्पण में रहने वाला और ज्यादा भक्ति में रहने वाला और नजदीक बी अपन यू थ्रू दिस दिन में परमेश्वर का आशीष आप पर बना रहे